हॉलीडे होमवर्क की इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं उमेश पांडे, साइंस एज ए टीचर। आप सभी लोगों को साइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देता हूं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मेरा मकसद ये समझाना है कि आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क में कितना कुछ करना था, और इसी हॉलीडे होमवर्क में से ही आप लोगों को 28 जून को एक टेस्ट देना है, जिसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एंड तक वीडियो जरूर समझोगे। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं अच्छे से। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, या फिर ये कह लें कि चैप्टर वन से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, उनको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। चैप्टर वन फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना था, फेयर कॉपी में बनाइए या फिर किसी भी कॉपी में, इंडिविजुअल कॉपी में आपका होमवर्क होना चाहिए, जो स्कूल में आप लोग अच्छे से दिखा सको। पहला क्वेश्चन सबको मैंने बताया था, व्हाट डू मीन बाय डाइट, क्या होता है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं अपने दिनचर्या में या फिर डेली शेड्यूल में, जो कुछ भी खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट। लेकिन एक बैलेंस इक्वेशन में कोई चीज़ अगर खाते हैं, जैसे हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब कुछ एक प्रॉपर वे में खाना होता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस डाइट। और दोनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने अलग अलग पढ़ी थी, इनको एक साथ आप लोगों को लिख देना है अपने आंसर में। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज की क्वेश्चन मैंने दोनों अलग अलग लिखवाए थे, याद कीजिए। बैलेंस डाइट और डाइट, ये दोनों के आंसर आप लोगों को अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, दोनों को कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है, और अपना आंसर इस पहले वाले क्वेश्चन के साथ में लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, जो टेस्ट पेपर बनाया जाएगा उसमें भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, इसलिए टेस्ट पेपर जो आपका 30 मार्क्स का होगा, आप लोग उसको अच्छे से करिएगा अटेम्प्ट। सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं उसमें, तो ध्यान से करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लेते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कितने न्यूट्रिएंट्स फूड में पाए जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी खाइए, किसी भी भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं उसके नाम केवल लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं कहना आप लोगों को। तो देयर आर मोस्टली आप लोगों के कोर्स में 5 न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं, तो आप लोग 5 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा याद कुछ आता है तो आप वो भी लिख सकते हो। वैसे मेन जो आप लोगों ने याद किया तो याद कीजिए कौन कौन से थे। कार्बोहाइड्रेट था, फैट्स था, विटामिन्स था, मिनरल्स था, और क्या था, रफेज, जिसको फाइबर आप लोग कहते हैं, ये भी था। तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख रखा है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझको। सिर्फ रिवीजन के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना आ सके, जिसमें आप लोग संडे को, पूरा दिन संडे का मिला हुआ है, आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो टेस्ट की। तो मंडे को आप लोगों को टेस्ट, वैसे भी 28 जून को आप लोगों को टेस्ट फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा, अच्छे नंबर अगर आएंगे आप लोगों के, तो आप लोगों के ओवरऑल जो मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, या फिर यूनिट टेस्ट में जो भी मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा सा इसका जो लेवल होगा, आप लोगों ने जो नंबर गेन किए होंगे हॉलीडे होमवर्क टेस्ट वाले, थोड़ा सा अच्छे नंबर आप लोग, बाकी सेकेंड यूनिट टेस्ट जो होने वाला होगा तो उसमें भी आप लोगों के इससे रिलेटेड नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो एक्टिव रहिएगा, एक्टिव होने पर ही आप लोगों के नंबर्स अच्छे मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या करें, इसको एक बार फिर से समझते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कितनी संख्या होती है उनकी, वो आप लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में, एक चार्ट बनाना, ध्यान रखिएगा क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है पंच पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा, एक चार्ट बनाना है पंच पेपर में, जिसमें आप लोगों को दिखाना है डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बुक में करवाया था, अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा, ध्यान से ज़रूर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना था इसमें, चार्ट पेपर, ध्यान रखिएगा चार्ट पेपर जो पंच पेपर होता है उस पर आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है, बनाना है, जो आपको स्कूल में सबमिट करना होगा, बताया जाएगा कब सबमिट करना है। डिफरेंट ईटेबल पार्ट, ध्यान रखें कोई पौधा है, सपोज़ करिए अगर मैंने नाम ले लिया टोमेटो का पौधा है, ठीक है, टोमेटो, तो उसका जो फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट को हम लोग खाते हैं, ठीक है, पूरे पार्ट्स में या फिर प्लांट के पूरे पार्ट में से फ्रूट खाने वाला हिस्सा होता है, तो पार्ट खाने वाला कौन सा है, फ्रूट है। और लीव्स नहीं खाते हैं, स्टेम नहीं खाते हैं, रूट नहीं खाते हैं टोमेटो की, प्लांट की, ध्यान रखिएगा ऐसे पार्ट लिखने जिसको आप लोग खाते हो, ठीक है, ईटेबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट द नेम ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, कई तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं, कुछ खट्टी लगती हैं, कुछ हमको मीठी लगती हैं, तो आप लोगों को सिंपल वे में इतना बताना है कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से जो विटामिन्स के काइंड होते हैं वो आपको बताना है। तो विटामिन्स के सिर्फ काइंड बताने हैं, तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन
के होता है। तो इतने सारे विटामिन्स आप लोगों ने पढ़े थे, सीखे थे, जाने थे, और मैं उम्मीद करता हूँ अपनी कॉपी में आप लोग सिर्फ विटामिन्स के नाम जो लिखने होते हैं वही आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। तो अपने पास से बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, इतने वे में मैंने समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप जो क्वेश्चंस मेनली जो आएंगे वो सेकंड चैप्टर से हैं, और जिसका नाम है आर फूड, मतलब हमारे भोजन के बारे में आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे एक्सरसाइज से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। थोड़ा सा माइंड मतलब अपना दिमाग आप लोगों को स्वयं लगाना है, तो अच्छे से समझते चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, घर पर बैठे हुए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, रफली डायग्राम बनाइए, लेकिन आप लोगों को पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जरूर दिखाने, ध्यान रखिए प्रिपेयर अ डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम ऑफ ए मैन। तो उसी होमवर्क कॉपी में आप लोगों को क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसके डाइजेस्टिव सिस्टम का, मैन के, किसी इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम का आप लोगों को चार्ट क्या बनाना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है। लेबल्ड का मतलब कहाँ पर माउथ होता है, कहाँ पर ईसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, कहाँ पर स्टमक होता है, पेट कहाँ पर होता है, और कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन या एनस मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए, आप लोगों को प्रिपेयर करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया फूड, आर फूड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो एग्जांपल ऑफ इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मैंने कोर्स में एक्सरसाइज में ये करवाया था, दो दो एग्जांपल लिखने हैं दोनों की, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं दो एग्जांपल लिखने हैं, न्यूट्रिएंट्स इन फूड कौन कौन से पाए जाते हैं दो एग्जांपल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू में बता के अपनी कॉपी में फिल कर देना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट ए कॉमन मेथड ऑफ प्रूफ फूड प्रिजर्वेशन। तो सिर्फ आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन में नाम लिखना है, ध्यान रखिएगा सिर्फ कॉमन प्रिजर्वेटिव मेथड के नाम, जैसे फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग मतलब है फ्रीज में कोई चीज़ रख देना, ये फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाती है। आप लोगों को मैंने कई तरह के प्रिजर्वेशन मेथड बताए थे, आप लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है, एक चार्ट तैयार करना है, इसको आप लोग चाहे कॉपी में चार्ट तैयार करें, चाहे पंच पेपर पर तैयार करें, कहीं पर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बैलेंस डाइट दिखानी है फूड में, कि पूरे डेली में आप लोगों को क्या क्या खाते हो, एक शेड्यूल है, इसको बुक में आप लोग देख सकते हैं, चार्ट बना हुआ आप लोगों को मिल जाएगा, और कॉपी में भी मैंने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर का नाम है टंग टीथ एंड डेंटल केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया, याद कीजिएगा, रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस व्हाट आई एक्सप्लेन यू अर्लियर। तो कौन कौन से थे, सबसे पहला क्वेश्चन प्रिपेयर है मॉडल ऑफ टीथ, ये मॉडल बनाना, ध्यान रखिएगा ये ना तो पंच पेपर में बनेगा ना ये चार्ट पेपर में बनेगा, इसका आप लोगों को एक जीता जागता, मतलब जीता जागता नहीं, अपने दांत मत निकालिएगा, एकदम मॉडल जैसे होता है लाइव मॉडल, लाइव मतलब जैसे दांत दिखाई देते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। इसका वीडियो मैंने सभी को बताया था किस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। तो प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ अ टीथ शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन मैन, कितने प्रकार के दांत हमारे मुँह के अंदर पाए जाते हैं, इसको भी आप लोगों को लिखना है। लिखना क्या है, मॉडल में ही बताना है, मेंशन करना है, आप लोगों को अलग से कुछ भी दिखाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मॉडल बनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया, मॉडल बनाना है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन बताए हैं पेपर आप लोगों का इन्हीं में से मैं बना के दूंगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, इन्हीं में से क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और आंसर्स को करिएगा। क्वेश्चन लास्ट क्या है, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट अबाउट टीथ, टाइप ऑफ टीथ एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर टीथ फ्रॉम टूथ डिके। तो ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप लोग किस में बनाते हो, पंच पेपर में। तो पंच पेपर में क्या करना है, अबाउट टीथ, तो हेडिंग डालनी है पंच पेपर में टीथ, टीथ के बारे में मैंने अपने आप लोगों को कॉपी में लिखवाया था, मैंने आपको याद कीजिएगा टीथ क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के जो दांत होते हैं ह्यूमंस में वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने याद किया था इंसीजर्स होता है, कैनिन होता है, प्री मोलर्स होते हैं एंड द लास्ट वन इज़ मोलर्स। ठीक है, ये चार तरह के दांत हमारे मुँह के अंदर पाए जाते हैं, इनके नाम आप लोगों को लिखना है, और आपको लास्ट में हेडिंग डालना है कि कैसे हम लोग अपने दांतों की जो है रख रखाव या देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो डेंटल केयर के बारे में आप लोगों को डिटेल लिखना है, ये आप लोग बुक से भी लिख सकते हो, जहाँ से आप लोग लिख पाओ वहाँ से लिखना है, आप लोगों को अपना माइंड खुद लगाना है, चाहे जैसे करना है कंप्लीट जरूर करना है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, आस्क करते हो कभी भी किसी भी समय। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ होमवर्क आप लोगों ने
कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कंप्लीट नहीं है तो संडे आप लोगों के पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, एंड तक ध्यान रखिएगा संडे के लास्ट इवनिंग या फिर ये कह लें संडे को रात के 9 बजे तक आप लोग पूरा होमवर्क करके कंप्लीट करके अगर उसकी PDF फाइल बन जाती है तो अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे थे PDF फाइल सर आप क्यों मांगते हैं, तो मैं बता देता हूँ। सपोज़ करिए आपने खूब सारे फ़ोटोज़ खींची जो आपने वर्क किया उसको आपने ग्रुप में भेज दिया, तो उसमें क्या होगा कई तरह की जो फ़ोटोज़ आती हैं उसको मैं देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ऐसे क्या होगा आपने एक सिंपल PDF तैयार किया तो उसमें सारी फ़ोटो अपने यहाँ पे अटैच रहती हैं, उसको मैं कभी भी देख सकता हूँ, किसी भी टाइम देख सकता हूँ और सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं PDF बनाने के लिए आप लोगों से कहता हूँ। और अच्छी बात है टेक्नोलॉजी से आप लोग इतने जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में या फिर अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, तो आप भी इसी तरह से डिजिटल हो जाइए, पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाइए, हर एक चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए आ जाए, ठीक है। तो आने वाली वीडियोज़ को और भी अच्छे से पसंद कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ध्यान रहे वीडियो अगर अच्छे से देख लिया है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।